हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। तो गाइज, आज आपको दिख रहा है हम दोनों बहुत सज धज के जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं मेले में। तो हमारे गांव में मेला लग रहा है, विलेज फेयर, जैसे कि हर साल होता है खनियारा का मेला, तो आज भी है। तो चलो हम लेके चलते हैं आपको, इंजॉय करेंगे। आप लोग भी रेडी रहना इंजॉय करने के लिए, क्योंकि हम बहुत फन करने वाले हैं। बच्चों के चेहरे में खुशी देख सकते हैं। सो गाइज, ये देख सकते हो आप टॉप व्यू। तो गाइज, ये जो है यहाँ पे आपको इस मेले की स्पेशलिटी दिखेगी। यहाँ पे जो है कुश्ती हो रही है, और ये इस मेले में होती होती है, तो लोग इसे बहुत इंजॉय करते हैं। और यहाँ पे हमारे किशन कपूर जी भी आए हुए हैं, जो हमारे एक्सपर्ट। निवेदन करूँगा कि आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री किशन कपूर जी को पगड़ी पहना कर उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। किशन कपूर जी आए हैं यार। ये ना पब्लिक एरिया में व्लॉग बनाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। पब्लिक एरिया में व्लॉग बनाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। सभी लोग घूरी जा रहे हैं, आप मुझे तो आपकी जैसी बजानी आनी चाहिए, तो फायदा नहीं लेके। हेलो, ये भिन्न भिन्न प्रजाति क्या जाति के लोग मिल रहे हैं हमें यहाँ। फ्री देखो, चेक करके क्या निकलता है। किस्मत देखो, फ्री में बोल रहे हैं निकाल। इसमें कोई भी नंबर पड़ गया ना, 20 का है, 100 का, 500 का, ना पैसा लेना ना देना। ऐसे फ्री में देखो क्या नंबर पड़ा है। मैं जुआ नहीं खेलती हूँ। पहले बोल रहे हैं कि फ्री में मिलेगा और उठा के देख लो, तो मैंने उठाया, तो कहते अब जो भी निकला ना दूंगा ना लूंगा। भैया भैया शर्मा रहे बहुत है। इधर ही मिलेंगे होलसेल में, होलसेल में। कबीर सिंह वाला है चश्मा, सारे मिलेंगे इधर। कबीर सिंह बादशाह चश्मा सारे मिलेंगे इधर। कबीर सिंह वाला, ये कबीर सिंह वाला, ये देखो ये नहीं है, ये लो कबीर सिंह वाला चाहिए ना। हाँ जी, गैस भैया भी जाना ये वाला। तो चलो देखते हैं होलसेल में, हाफ रेट में। इस बंदे की शक्ल देखो, आपको पता है किसकी तरह लगेगा ये? जो बिग बॉस जो लोग देखते थे उनको पता होगा, जो अर्चना का गौतम का भाई था ना, ये बिल्कुल उसी की तरह लग रहा था। और ये बोल भी वैसे ही रहा था, शर्मा भी वैसे ही रहा था। भाई मेरी टांगे अभी भी कांप रही हैं। और लोग ऐसे शेयर कर रहे हैं ना, पर अब ना मैं पब्लिक ना व्लॉग करने की कोशिश कर रही हूँ, और मैंने करके ही रहनी है। और मैं सोच रही हूँ ना, जितने भी लोग मुझे देख रहे देखते रहे, उनको भी मैंने ले लेना बीच में। और तो सब ठीक है ना, बच्चों।
सब्सक्राइब करें चैनल को, 100 लोग तो कर ही देंगे गाइस। तो लोग देख रहे हैं, मैंने सोच लिया जो देखेगा ना उसको बोलना सब्सक्राइब कर दो चैनल, आज मैं 100 लोग करके जाती हूँ, 1K तो हो ही जाएगा फिर। मेरी मेरी तो टांग के काम की, हाँ वो गोल वाली नहीं, अटैक आ रहा मेरे को, कोई नहीं मैं हूँ ना, मेरी ना टांग के काम की और अभी तक काम की है, बता अब आपको। आपको मोमोज खाना चाहेंगे तो हम आपको दिखा भी देंगे अभी। तो अब हम मोमोज खाने वाले हैं गाइस, चटनी धोखे वाली मिली है लेकिन ये कह रही है मोमोज अच्छे हैं, तो मोमोज अच्छे ही होंगे फिर, पर चटनी नहीं अच्छी लग रही देखने से, क्या पता खा के अच्छी हो मिल जाएगी। गाइस अभी हम सिड्डू खाने आए हैं और देखते कैसा होगा कैसा नहीं, क्योंकि सिड्डू हमें नॉर्मली ऐसे मार्केट में मिलता नहीं है। देखिए यार लोग देखे जा रहे हैं, मेरे को ना शर्म आ रही है जब लोग देख रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ इनको भी ले लेती हूँ जो जो लोग देख रहे हैं। चाहिए सामने आप व्यू देख सकते हो, सामने कितना सही है जहाँ पे हम सीटू खाने बैठे हैं। गाइस फिर से कलोल हो गया क्योंकि फिर से इन्होंने सिड्डू के नाम पे लूट लिया यार, अच्छे से स्टफिंग ही नहीं किया, कुछ भी नहीं बना। देखो क्या है यार, आज दिन ही खराब जा रहा है। फिर से हम लिट गए। ये वाली बिंदी कितनी की है? 10 रुपीस। और ये ब्लैक वाली, ये भी 10 रुपीस। फाइनली गाइस मेले से मैंने कुछ ले लिया और वो क्या है बिंदी, क्योंकि वो वाली जो बिंदी है ना वो जब कहीं फंक्शंस होते हैं ना तो बहुत अच्छी लगती है लगाने में, तो मैंने स्टोन वाली लिया और इसने ब्लैक वाली ली है। तो अभी पूरे मेले में हमने सिर्फ एक बिंदी ली है, तो देखते हैं अगर और कुछ अच्छा लगता है। अभी देखिए पीछे वाला आना व्लॉग में यार, ये बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं व्लॉग में आके और ना, और हर कोई ऐसे ही देखेगा ना भाई, वो देखना क्या है यार, लड़की से भागी जा रही है। ये बड़ा प्यारा लग रहा है, वाह। इसमें पता नहीं क्या हालत होगी, उसमें तो बड़ा बुरा हाल हुआ। बेटा रोएगा तो नहीं? नहीं मैं नहीं डरता, पर मैं रो देती हूँ। मैं डरने वाले में से नहीं हूँ, मैं तो हूँ। इतना कॉन्फिडेंस आ गया बच्चे के अंदर, बच्चे ने चश्मा चश्मा लगा लिया, मेरी हालत खराब हो रही है। मेले का टॉप व्यू है, तभी तो मैं इतना डर नहीं रही हूँ, इतने कम्फर्टेबली व्लॉग बना रही हूँ, यू नो ऐसी जगह है तो मजा आएगा, पैसे वसूल हो जाएंगे। बट भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम ऐसा फिर से धोखा हो रहा है सुनने में? पहले हमने मोमोज खाए वहाँ पे हमें धोखा मिला, फिर हमने सिड्डू खाया वहाँ पे हमें धोखा मिला, अब ये झूला झूले आए इसमें भी धोखा ही लग रहा है मुझे। फास्ट कर दो थोड़ा, बस ऐसे नहीं बोलते। क्योंकि शॉपिंग करने की आदत ऑनलाइन बड़ी हुई है हम। गाइस मेरा फिर से कलर हो गया, ये जो मैंगो जूस है ना, नकली वाला मैंगो जूस निकला यार, हो गया रहा। तो छोटे होते वो नहीं बेचने आते थे वो एक एक दो दो रुपए वाली आइसक्रीम, और उसमें हाँ और उसमें नकली जैसे ऐसा लगता है रस जैसा डाला हुआ, वैसे सेम इसका टेस्ट है, मुझे लगा सही वाला मैंगो जूस होगा यार, क्या है यार। खाओ ना, आया मजा, आया मजा, टेस्टी है।
मैंने सेकंड टाइम खाया बट टेस्टी है। आप बनाएंगे? बनाइए, काला खट्टा ज्यादा प्लीज। मशीन में निकालना, आपने कुछ नहीं किया। बना के दे रहे और एक कोड ज्यादा। ये मैडम किसी काम की नहीं है। हम आपको छोड़ के जाते हैं यहाँ पे। खुशबू वाला है, खुशबू वाला है। इसको इस उम्र में गजरा लगाना। गजरा नहीं, वो कजरा रहे। नहीं, गजरा मोहब्बत वाला भी है। वो कजरा है, कजरा ही है, कजरा रहे नहीं है। हम आपके हाथ की पाव भाजी नहीं खा पा रहे, आपको कैसा महसूस हो रहा है? महसूस तो क्या हो रहा है यार? देखो, हम दूसरी बार आए यहाँ पे, सीट ही नहीं है। किसको करना चाहिए? चॉकलेट है भी, खाली है पैकेट। क्या चीज़? चॉकलेट है ना इसमें? लग रही खाली है। खाली भी होगी। शिट यार, अब एक ही बचा है। शिट यार, मेरे को पता था नहीं होगा। भैया को मैंने पहले ही बोला था, एक बार फ्री में दे रहे हैं। खर्ची है 20 रुपए खर्च किए मैंने ब्लॉग बनाने के लिए। भैया बोलते ब्लॉग बनाना, मैंने कहा हाँ, तभी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और पैसे क्यों खर्च करूँ मैं? आज मैं हूँ आपकी होस्ट एंड टोस्ट। आई एम योर वेलकम गाइस, इट्स मी पायल मल्होत्रा। अभी डिलीशिया हो जाओ गाइस। तो अभी हम पाव भाजी खाने गए थे, तो वो अंकल कह रहे थे कि डिलीट कर देना, डिलीट कर देना। पर हम क्यों डिलीट करें? उन्होंने हमें पाव भाजी नहीं खिलाई क्योंकि उनकी शॉप में बहुत रश हो रहा था। हम 2 बार गए और हमें 2 बार नहीं मिली है ना। चलिए अब हम घर जा रहे हैं। सो गाइस, अब अंधेरा हो चुका है और हम वापस जा रहे हैं, और यहाँ पे लाइट्स भी ऑन हो चुकी है सब जगह। तो अब इस मेले को बाय करते हैं। और सो गाइज, यहाँ पे ना हमें दो तीन बच्चे मिले। ये बोल रहे थे, दीदी अपना चैनल बता दो हमें, ताकि हम भी आपका व्लॉग देख सकें। तो मैं इनको चैनल बता रही थी अपना, और उसके बाद फिर हमने ना सोचा कि हम बैलून लेते हैं, और हमने ना बैलून लिया। और आगे देखिए हमारे साथ क्या हुआ है। भगवान, इस मेले में हो क्या रहा था? आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, थैंक यू गाइज, आपने मुझे सपोर्ट किया, मेरे 900 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और 1K जल्दी से करवा दीजिए। सो बाय।